आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके। नॉर्मली अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो उस कंडीशन पर हम उस ट्रायंगल के बेस और अल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन का हाफ करने से, मींस हाफ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल उनसे फाइंड कर सकते हैं। पर अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन हो तो उस कंडीशन पर हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे वो हमें आज स्टडी करनी है। सबसे पहले हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव कर सकते हैं ताकि उसे हम अप्लाई करके किसी भी, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया किसी भी नंबर सिस्टम में गिवन हो, चाहे वो हमें रैशनल नंबर गिवन हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या डेसिमल का फॉर्म हो या फ्रैक्शन का फॉर्म हो, हम आसानी से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन। सपोज हमें ये एक्स वाई प्लेन मिल रहा है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है और ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, ये हमें ओरिजिन मिल रहा है और यहाँ पर हमें थ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज मान लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री और हमें इस थ्री पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करें तो हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया को इन थ्री कोऑर्डिनेट से रिलेट करके हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली हमें आज यही स्टडी करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इन थ्री पॉइंट्स को वर्टिकली ड्रॉप करते हैं जिससे ये हमें एक्स एक्सिस पर मिलते हैं। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉप किया। सपोज दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। ये एक्स एक्सिस पर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स पर हमें मिल रहे हैं। तो जब हम इसे इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म पर शेप मिल रही है। और ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है तो हम इसके शेप को देखकर बता सकते हैं कि ये हमें ट्रेपोजियम का शेप मिल रहा है, क्योंकि ट्रेपोजियम में इसके टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और टू अपोजिट साइड्स इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर हमें थ्री ट्रेपोजियम्स मिल रहे हैं, ट्रेपोजियम ए बी पी क्यू एंड ट्रेपोजियम ए क्यू आर सी, ट्रेपोजियम बी सी आर पी। इस तरह से हमें थ्री ट्रेपोजियम्स मिल रहे हैं। अब अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? तो इसके एरिया को हम लिख सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपोजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ पी आर सी बी। अब मैंने यहाँ पर इसे क्यू लिखा है तो इसे हम देखकर ये बोल सकते हैं कि जब हम फर्स्ट ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू ए बी पी क्यू का एरिया फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की एरिया मिल जाएगी, इस कंप्लीट ट्रेपोजियम का एरिया मिल गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपोजियम ए सी आर क्यू, तो ये हमें मिल गया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। अब देखिए यहाँ पर जो शेप बन रहा है
इस शेप का हमें कंप्लीट एरिया मिल गया, पर हमें तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का ही एरिया चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया से पी आर सी बी इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ट्रायंगल का ही बस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर जो मैंने लिखा है। इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ए सी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ पी आर सी बी। ओके, अब यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें किस तरह से मिलता है, ये हमें मिलता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का एरिया हमें मिलता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इनके पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे। तो यहाँ से हम इसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रेपेजियम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो ए बी पी क्यू इस ए बी पी क्यू इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स हैं बी पी और ए क्यू, तो ये हमें मिल गया बी पी प्लस ए क्यू, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी क्यू, क्योंकि ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नहीं ले सकते, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया पी क्यू। उसके बाद सेकेंड ट्रेपेजियम लेते हैं, सेकेंड ट्रेपेजियम है ए सी आर क्यू, ए सी आर क्यू। अब यहाँ पर टू पैरेलल साइड्स हैं दिस ए क्यू एंड दिस सी आर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस सी आर, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्यू आर। माइनस थर्ड ट्रेपेजियम, दिस इनके पैरेलल साइड्स बताइए, थर्ड ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम बी सी आर पी, और इसके पैरेलल साइड्स हैं बी पी एंड सी आर, और इनका पैरेलल साइड्स है डिस्टेंस है पी आर। ठीक है, तो ये हमें मिल गए। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म पर हम इसे लिखते हैं 1/2, हम इन थ्री टर्म्स से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर बी पी ए क्यू इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो बी पी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से दिस लेंथ रिप्रेजेंट बी पी, और ये वर्टिकल लेंथ है, एंड वी नो दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्टिकल लेंथ रिप्रेजेंट वाई कोऑर्डिनेट एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो लेंथ है, अगर हम इसे यहाँ से देखें तो ये एग्जैक्टली इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये है वाई टू, तो बी पी की वैल्यू हो गई वाई टू प्लस ए क्यू। ए क्यू हमें ये लेंथ मिल रहा है, ये भी परपेंडिकुलर लेंथ है, मीन्स वर्टिकल लेंथ है, तो वर्टिकल लेंथ फिर से वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया वाई वन, क्योंकि हम डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस लिया, और ये डिस्टेंस भी हम ओरिजिन से लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन है पी क्यू के साथ, पी क्यू हमें मिल रहा है ये लेंथ, अब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल लेंथ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस लेंथ को हम डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ से मिल रहा है, हम इसे ओरिजिन से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से ओ से ओरिजिन ओ से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दिस इज एक्स वन, एंड ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस है एक्स टू, तो इस तरह से पी क्यू हमें क्या मिल जाएगा,
ये हमें मिल जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। तो हम पी क्यू को लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू। सेम हम यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं ए क्यू सी आर। ए क्यू हमने अभी फाइंड किया, दिस इज़ वाई वन, एंड सी आर हमें मिल जाएगा वाई थ्री, क्योंकि सी आर इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है वाई थ्री। फिर है क्यू आर, क्यू से आर तक का लेंथ, दिस इज दिस लेंथ, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन। इसके बाद बी पी, बी पी हमने अभी फाइंड किया था, दिस इज वाई टू, एंड सी आर, सी आर इज वाई थ्री, और पी से आर तक का डिस्टेंस, इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं एक्स थ्री माइनस एक्स टू। तो इस तरह से ये हमें मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले y2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर y1 का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी तरह से इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस वाई थ्री एक्स वन प्लस वाई टू एक्स थ्री माइनस वाई टू एक्स टू प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस वाई थ्री एक्स टू। क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो ये सभी साइन जो हमें इसके बाद मिले ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और था, तो इसके कारण ये सभी साइन कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से वाई टू एक्स टू नेगेटिव एंड वाई टू एक्स टू पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। वाई वन एक्स वन पॉजिटिव, वाई वन एक्स वन नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली वाई थ्री एक्स थ्री नेगेटिव एंड वाई थ्री एक्स थ्री पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचे हुए टर्म्स हमें लिखने हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ये हमें मिल गया है y2 x1, और यहाँ से x1 वाला टर्म हम देखते हैं दिस। तो अगर हम x1 को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा इन ब्रैकेट y2 माइनस y3। सिमिलरली यहाँ से देखिए, ये x2 वाला टर्म है और x2 वाला टर्म है यहाँ पर, तो अगर हम x2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। फिर इसके बाद हम x3 कॉमन लेंगे इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, तो x3 कॉमन लेंगे, ये हमें मिल गया y1 माइनस y2। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हमें मालूम हो तो डायरेक्टली हम इसे पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप याद रखिएगा, इसे हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि जब हम x1 ले रहे हैं तो हमें y2 और 3 लेना है, y1 नहीं लेना है। जब हम x2 लेंगे तो देखिए y2 नहीं है यहाँ पर, मतलब जो हम x का लेंगे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, लाइन से हैं। फिर जब x1 लिया है तब y2 और 3 लिया है, 2, 3। फिर जब x2 लिया है तो 3, 1। देन x3 लेंगे तो 1, 2। जो यहाँ पर बाद में होता है वो यहाँ पर पहले आता है, जो यहाँ बाद में है वो यहाँ पर पहले। तो इस तरह से हम इसे किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं और वो हमें नेगेटिव मिलता है, तो उस कंडीशन पर हम उस नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे और हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता,
एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी एरिया ज़ीरो मिलता है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल नहीं है। उस कंडीशन पर जो इस तरह से थ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर एरिया ज़ीरो है दैट मीन्स वो क्वाड्रेंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो थ्री पॉइंट्स को लीनियर हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखिए, हमें मिल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 5, 2, बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4, 7 एंड सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 7, -4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 y1, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ये हमें मिल रहा है 5, 2, मीन्स x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2। इसी तरह से x2 y2, दैट इज सेकेंड पॉइंट, हमें क्या मिल रहे हैं 4, 7 एंड x3 y3, ये हमें मिल रहे हैं 7, -4। हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहाँ पर ABC इन तीनों पॉइंट से हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2। ये फॉर्मूला हमें मिलता है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इन सभी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो x1 यहाँ से हमें मिल रहा है 5, y2 की वैल्यू हमें मिल रही है दिस इज 7, माइनस y3 इज -4, तो ये हो गया -4। नाउ x2 की वैल्यू है 4 एंड y3 इज -4 माइनस y1 इज -2 प्लस x3 की वैल्यू है 7 एंड y1 की वैल्यू है यहाँ से 2 एंड y2 की वैल्यू है 7, तो ये हो गया 2 - 7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 × 7 -, यहाँ से हो जाएगा प्लस, 7 + 4 ये हमें मिल गया 11, प्लस यहाँ से 4 × -4 - 2 ये ऐड हो जाएंगे, ये हमें मिल गया -6, प्लस 7 × 2 - 7 - 5 ये हमें मिल गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 11 = 55 -4 × -6 ये हो जाएगा -24 और ये भी हो गया -35। दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -4 और डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया -2। पर हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसके नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे और इसका एरिया हमें मिल जाएगा 2 square units, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स पी, कोऑर्डिनेट्स हैं -1.5, 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -2 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। सॉल्व करते हैं तो फिर से यहाँ पर हमें x1, y1 इनकी वैल्यूज़ कितनी मिल गई, फर्स्ट पॉइंट सपोज ये है तो ये हमें मिल गया -1.5, 3, x2, y2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 6, -2 एंड x3, y3 ये हमें मिल गया -3, 4। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें क्या मिल जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, दिस इज माइनस 1.5, तो ये x1 हो गया माइनस 1.5 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है यहाँ से माइनस 2 और y3 है 4, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 4 प्लस x2 की वैल्यू है यहाँ से 6 इन ब्रैकेट y3, y3 इज 4 माइनस y1, y1 इज 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3. नाउ x3 इन ब्रैकेट x3 की वैल्यू है माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू y1, y1 की वैल्यू है 3 एंड y2 की वैल्यू है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2. इस तरह से ये हमें मिल गया. अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया माइनस 1.5 इंटू माइनस 2 माइनस 4 ऐड हो जाएंगे, ये हो गया माइनस 6 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 3 दिस इज 1 प्लस माइनस 3 इंटू 3 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 प्लस 2 इज 5, तो ये हमें मिल गया इस तरह से. यहाँ से सॉल्व करिए तो माइनस 1.5 इंटू माइनस 6, तो ये हमें मिल जाएगा 9.0, मतलब ये हमें मिल गया 9 प्लस 6 इंटू 1 इज 6 माइनस माइनस 3 इंटू 5 ये हो जाएगा माइनस 15. तो यहाँ से देखिए 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 15 इज 0, तो हमें यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया 0. तो इस ट्रायंगल का कोई एरिया नहीं है क्योंकि इसका एरिया हमें 0 मिल रहा है. इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं. ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, क्योंकि जब कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं तो उनका एरिया 0 होता है, क्योंकि इनका कोई एरिया हमें फॉर्म नहीं होता. अगर ये 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से भी हमें मिलते तो इसका हमें कुछ एरिया मिलता, पर हमें इसका एरिया कंप्लीट 0 मिल रहा है, मींस कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हमें एरिया 0 मिलता है, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमें 0 मिलता है, दैट मींस कि उस कंडीशन पर वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वो एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे.